हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? भारत सालाना लगभग 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है। जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पैकेजिंग इंडस्ट्री में होता है। सरकार ने पर्यावरण और मानव के हित के लिए प्लास्टिक बैग को बाजारों में बंद कर दिया। घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें। और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव है कॉर्न स्टार्च बेस्ड कैरी बैग्स। बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल कैरी बैग प्लांट बेस्ड मटेरियल यानी कॉर्न स्टार्च से बने होते हैं। इसकी खास बात यह है कि कॉर्न स्टार्च से बने प्लास्टिक उत्पाद सामान्य प्लास्टिक की तरह ही दिखते और महसूस होते हैं। इस कॉर्न स्टार्च से बने हुए प्रोडक्ट या बैग से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। ये पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है और डेली यूज में ये एक सेफ प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से इसकी मांग अब दिनों दिन बढ़ रही है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये ग्रोसरी, शॉपिंग कैरी बैग्स आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में एक उद्यमी अगर किसी अवसर की तलाश में है तो कॉर्न स्टार्च बेस्ड कैरी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक अच्छा और इनोवेटिव विकल्प है। अब सवाल ये है कि आखिर इन कॉर्न स्टार्च कैरी बैग्स को बनाया कैसे जाता है, तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं इसके पूरे प्रोसेस से। बिजनेस में अब कंफ्यूजन और नहीं, IIT की कंसल्टेंसी सर्विस से पाएं बिजनेस की सही गाइडेंस। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। मैं अमित कुमार आराध्या इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूं। हमारी कंपनी बायो प्रोडक्ट्स की मशीन्स के मैन्युफैक्चरर है और हम बायो प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते भी हैं और बायो प्रोडक्ट्स का सेल भी करते हैं। कॉर्न जो अपना मक्का है, मक्के को स्टार्च के रूप में हम यूज़ करते हैं। स्टार्च के रूप में तो जो हमारा मेडिकल कैप्सूल्स है वहाँ भी स्टार्च ही यूज होता है, बट इस मशीन्स के लिए उसको हम स्पेशली ग्रैनुअल्स के रूप में डेवलप करते हैं, जिससे हमारा ग्रैनुअल्स कैरी बैग के रूप में या गार्बेज के रूप में उपयोगी हो सके। रॉ मटेरियल से वो ग्रैनुअल्स फॉर्म में आता है, स्टार्च को हम ग्रैनुअल्स फॉर्म में डेवलप्ड करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल्स है, उस रॉ मटेरियल्स को हम मिक्सचर मशीन्स में प्रीहीट करते हैं या उसमें कलर एड ऑन करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। दूसरी जो अपनी मशीन है ब्लोइंग मशीन, ब्लोइंग मशीन्स के हॉपर में हम उस प्री हीट हुए रॉ मटेरियल को डालते हैं। वहाँ से हीट प्रोसेस के थ्रू और मशीन्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोल से वो मशीन्स आपकी डिजायरेबल जो भी रोल साइज होगा वो साइज निकाल देती है। यहाँ पे आप जो भी क्वालिटी सेट करना चाहें सॉफ्टवेयर के थ्रू वो भी कर सकते हैं।
यहाँ तक कि अलग अलग ग्रेड के सॉफ्टवेयर को भी एक ही मशीन्स में बिना किसी हार्डवेयर चेंजिंग के कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप आई एम नॉट ए प्लास्टिक इस टाइप्स का जो भी प्रिंटिंग मटेरियल्स है वो भी उस रोल पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एयर कंप्रेसर और एक प्रिंटिंग मशीन्स है जो ब्लोइंग मशीन्स के साथ सेट कर जाती है। इतने तक में आप दाने से रोल बना लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में सील कट यूनिट में आप रोल को ले जाते हैं जहां रोल से बैग बनता है। अगर बैग में आपको हैंडल लगाने हैं तो उसके लिए हैंडल पंच मशीन आती है जहां आप अपनी इच्छा अनुसार डी कट, सी कट, यू कट या डब्ल्यू कट के बैग बना सकते हैं। मैन पावर की बात करें तो इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए मुझे 2 से 3 वर्कर की ज़रूरत होती है। एक ट्रेंड ऑपरेटर और एक हेल्पर भी इस काम को, इस प्लांट को अच्छे से चला सकता है। इलेक्ट्रिसिटी लोड की बात करें तो अलग अलग मशीन्स अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। हमारे पास जो मॉडल है वो 15 किलोवाट से स्टार्ट है। एक मशीन हमारी 15 किलोवाट लेती है, उसके ऊपर का जो मॉडल है वो 20 किलोवाट लेती है, उसके ऊपर का है वो 25 लेती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल सेलेक्ट करते हैं। अगर आप 40 की मॉडल लेते हैं तो उसके लिए आपको अप्रोक्स 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाफ सेटअप के लिए मिनिमम इसमें आपको 500-600 स्क्वायर फीट की ज़रूरत है, बट अगर आप फुल सेटअप करना चाहते हैं तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट होना ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए 2 स्टेज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिन भाई बहनों का बजट कम है वो हाफ सेटअप रोल टू बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा सकते हैं। उस कंडीशंस में 5 लाख रुपए की मशीनरी से भी आप कंप्लीट सेटअप से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको फुल सेटअप ग्रैनुअल्स टू रोल्स और रोल से बैग का कंप्लीट सेटअप लगाना है तो आपके पास मशीनरी के लिए 10 से 11 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए और रॉ मटेरियल्स के लिए फिर अलग से 3 से 4 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये भी मशीन्स के मॉडल्स पे डिपेंड करता है। हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो 15 kg पर आवर से लेकर के 65 kg पर kg तक के प्रोडक्शंस के लिए मशीन्स इजीली अवेलेबल हैं जो कैरी बैग और गार्बेज बैग में सक्सेसफुली काम करते हैं। अगर इससे हाई क्वालिटी में जाते हैं तो फिर उसके लिए लाइनर या लेमिनेशंस, तो उससे भी हाई आउटपुट आप प्राप्त कर सकते हैं। बट सिंपल कैरी बैग, छोटे या मीडियम साइज कैरी बैग के लिए मेरे पास जो मशीन अवेलेबल हैं वो 15 kg से 65 kg पर आवर तक का प्रोडक्शन देते हैं। एक्चुअल में इसका जो वेस्ट है वो रिसाइकलेबल होता है, वापस आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए वेस्ट से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ऐसे अमूमन 8 से 10% का वेस्टेज जिसमें निकलता है कैरी बैग में, जो आपको रिसाइकिल हो जाता है, वापस इस रिसाइकिल दाने को मेन दाने के साथ मिला के आप यूज कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक GST नंबर होना चाहिए आपके फार्म के नाम पे। दूसरा, आपको स्टेट पॉल्यूशन से NOC नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। तीसरा, सेंट्रल की लाइसेंस की आपको आवश्यकता पड़ेगी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें या कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो प्लास्टिक से अच्छी है। जब इस कैरी बैग को हम मिट्टी या पानी में फेंकते हैं फिर ये नष्ट होना शुरू होती है। आपके यहाँ रखे रखे इसमें कुछ भी नहीं होता है अगर आप इसको पैक्ड कंडीशन में रखते हैं। अगर आप इसको ओपन कंडीशन में रखते हैं तो चूंकि हवा में भी नमी होती है, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ में कमी आने लगती है 4 से 6 महीने के बाद। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानिए। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में आज बायो कंपोस्टेबल्स कैरी बैग, गार्बेज बैग या अदर प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है। प्रयोग के बाद, चूंकि सिंगल यूज प्लास्टिक अभी बैन है, प्रयोग के बाद फेंकने पे ये 4 से 6 महीने में पूरे तरीके से नष्ट हो जाते हैं। उससे पहले आप इसको हर तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं, ना तो इसकी क्वालिटी में कोई फर्क पड़ता है
और ना ही इससे आपको कोई नुकसान है। स्मॉल स्केल के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि इसमें मार्केट का दिक्कत नहीं है। आज के डेट में अगर आप किसी भी एरिया में चले जाएं तो हर शॉप, चाहे छोटी हो बड़ी हो, मिनिमम 1 kg का उसका डेली कैरी बैग का कंजम्पशन है। तो अगर कोई नया बिजनेसमैन भी इस बिजनेस को डालता है तो उसे बेचने के लिए ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस भी एरिया में रहता है वहाँ के हाफ किलोमीटर में उसे 100-200 से ज़्यादा कस्टमर मिल जाएंगे और वो आसानी से इसे बेच सकता है। तो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ये एक वरदान के रूप में है। आज हमने आपको कॉर्न स्टार्च कैरी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हर डिटेल जानकारी दी कि किस तरह से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम हर बिजनेस से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारी मिल सके। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक अगली डॉक्यूमेंट्री में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।